हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर सिक्स इन टीचर्स की एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर वन हमें दे रखा है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट इंटीजर विच इज़। नंबर लाइन का यूज़ करते हुए हमें बताना है कि हम कहाँ पर लाइक करेंगे। बोला थ्री मोर देन फाइव, पाँच से तीन ज़्यादा चाहिए हमें, ठीक है। तो हम देखो, सबसे पहले यहाँ लेंगे ज़ीरो, वन टू थ्री, ये हमारी नंबर लाइन होगी। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। हमेशा राइट में नंबर इंक्रीज होंगे और लेफ्ट में नंबर डिक्रीज होंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। तीन नंबर ज़्यादा चाहिए पाँच से, पाँच कहाँ पर हमारा, ये रहा। अगर जब कभी भी मोर की बात करें, मतलब बढ़ाने हैं नंबर, नंबर बढ़ते हैं राइट साइड में और घटते कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, ठीक। तो पाँच से तीन नंबर बढ़ाने, थ्री मोर बोला ना, देखो एक नंबर बढ़ाया, दो बढ़ाया और तीन बढ़ाया, बढ़ाने पे फाइनली हम कहाँ पहुँच गए, एट पे पहुँच गए, ठीक है। तो पाँच से तीन ज़्यादा कितने होंगे, एट होंगे। क्या लिखेंगे, सो थ्री मोर देन फाइव इज एट, क्लियर। इसी तरीके से हमारा बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में भी क्या दे रखा, फाइव मोर देन माइनस फाइव, माइनस फाइव से फाइव ज़्यादा। तो देखो यहाँ ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये ज़ीरो माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ वन टू थ्री, ये राइट साइड है, यहाँ नंबर इंक्रीज होते हैं, लेफ्ट साइड है नंबर डिक्रीज होते हैं। माइनस फाइव पे हैं फिलहाल तो हम यहाँ पे, और कितने ज़्यादा करने हैं, मोर, मोर यानी कि बढ़ाने हैं, बढ़ेंगे तो हम कहाँ पे, राइट साइड में। कितने नंबर बढ़ाने, पाँच, देखो एक दो तीन चार पाँच, कहाँ पहुँच जाएंगे हम, ज़ीरो पे पहुँच जाएंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे, सो फाइव मोर देन माइनस फाइव इज ज़ीरो, आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वैसे हमारा अगला पार्ट है सी, सी में क्या बोला गया है कि सिक्स लेस देन टू, छः कम करने हैं दो से। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर फाइव सिक्स सेवन, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट में राइट में नंबर बढ़ाने हैं, लेफ्ट में घटाने हैं। तो फिलहाल हम कहाँ पर, अभी फ़िलहाल दो पर है, ये हमारा दो, और कितने लेस करने हैं, छः लेस करने, लेस मतलब घटाने हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में, एक दो तीन चार पाँच छः, फाइनली आंसर का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का फोर। क्या लिखेंगे, सो सिक्स लेस देन टू इज माइनस का फोर, क्लियर। ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका डी पार्ट। तो पहले नंबर नंबर ड्रॉ कर देते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री फोर, माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये लेफ्ट है डिक्रीज होंगे, राइट साइड इंक्रीज होंगे। फिलहाल हम कहाँ पर हैं, माइनस दो पे हैं, कितने लेस करने हैं, थ्री लेस, लेस करने हैं तो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में, एक दो तीन, कहाँ पहुँच गए, माइनस के फाइव पर। सो थ्री लेस देन माइनस टू इज फाइव, सॉरी माइनस का फाइव, क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर दो हमारा, बोला है यूज़ नंबर लाइन ऐड द फॉलोइंग इंटीजर। नंबर लाइन का यूज़ करते हुए हमें इनको ऐड करना है। सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन करेंगे, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, माइनस आ जाए तो घटाना है और प्लस आ जाए तो राइट में जाना है, क्लियर। देखो फिलहाल तो हमारा क्या है, आगे कोई निशान नहीं दे रखा, तो प्लस का नाइन होगा, प्लस का नाइन हमारा ये रहा। और माइनस कितना करना है, माइनस का छः, छः नंबर माइनस है ना, तो लेफ्ट में जाना है। देखो एक दो तीन
चार, पाँच, छः। क्या आंसर आ रहा हमारा? पॉजिटिव का 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर बी। तो स्टूडेंट आगे के क्वेश्चन में हमारे नंबर लाइन के, तो जितनी भी लाइन है पहले मैं इन पे नंबर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमारे वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो। तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चनों में नंबर लाइन बना ली है, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक, पॉजिटिव का 5 है, तो पॉजिटिव का 5 हमारा ये रहा, ठीक। और माइनस का 11 दे रखा है, यानी कि हमें माइनस दे रखा है तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ेंगे, और पॉजिटिव दे रखा, प्लस दे रखा तो राइट डायरेक्शन में। 11 नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कहाँ पहुँच गए हम, माइनस के 6 पे। आंसर आ जाएगा माइनस का 6। क्लियर। इसके बाद डिस्कस करेंगे इसका सी पार्ट। फिलहाल कहाँ पर है, माइनस के 1 पे, माइनस का 1 ये रहा। जाना कहाँ पे है, माइनस के 7, माइनस का 7 कहाँ जाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ किस पे आ जाएगा, माइनस के 8 पर आ जाएगा, क्यों 7 नंबर ही चलना ना हमें। इतना ध्यान रखना ये कि आपका अगर माइनस का नंबर देना है तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव का दे रखा है तो राइट में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि राइट साइड में हमेशा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं और लेफ्ट साइड में नंबर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं। हमें 7 नंबर माइनस करने हैं, माइनस हमारे कहाँ होंगे, लेफ्ट में होते हैं, और प्लस 7 करने होते तो राइट में होते। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे इसका डी पार्ट। डी में दे रखा है माइनस का 5 एंड पॉजिटिव का 10। माइनस का 5 ये, अब इस बार पॉजिटिव का आ गया तो कहाँ जाएंगे, राइट साइड में, क्योंकि उस तरह नंबर हमारे कौन होते हैं, बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ पर आ गए हम, पॉजिटिव के 5 पर। क्लियर। ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका ई पार्ट। बोला अभी तो फिलहाल माइनस 1 पे हैं, ठीक है, माइनस 2 पे जाना है, तो 1 और 2 माइनस 2 करने पे माइनस 3 पे पहुँच गए, फिर माइनस 3 और जाना, माइनस है तो हम किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो 1, 2, 3 एंड फाइनली हम कहाँ पहुँच गए, माइनस के 6 पर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, पहले बोला है माइनस का 2, माइनस का 2 ये रहा, पॉजिटिव का 8 है, पॉजिटिव का तो कहाँ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, कितना है 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिलहाल हम पहुंच गए 6 पर पहुंच गए, ठीक है। फिर बोला माइनस का 4, माइनस का 4 है तो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, चलते हैं वापस, 1, 2, 3, 4 कहाँ पर आ गए, 2 पर आ गए, किसका 2 है, पॉजिटिव का, तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव का 2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।